आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैच पर। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति पर टू डायमेंशनल यानी दो विमा वाले जितने भी डायग्राम होते हैं, जैसे आयत हो गए, वर्ग हो गए, रेक्टेंगल हो गए, ट्रायंगल हो गए, वृत्त हो गए, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। और बिल्कुल बेसिक दोस्तों, एकदम फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, क्या फॉर्मूला है, कैसे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं पहले आज के इस वीडियो में पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, और इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों बिल्कुल टॉपिक वाइज एक बार रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर वृत्त, इन पर आधारित डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से कराऊंगा। तो दोस्तों पहले उससे पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति, यानी कोई किसी भी दो या तीन या चार भुजा या उससे भी अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र के बारे में जानकारी ज्ञात करना। टू डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें केवल हमें लंबाई और चौड़ाई पता चले। तो दोस्तों टू डायमेंशनल में हम लोग दो ही चीज पर चर्चा करेंगे किसी भी ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी का, वो होता है एरिया और दूसरा होता है पेरीमीटर। तो एरिया मतलब दोस्तों हो जाता है क्षेत्रफल, और पेरीमीटर का मतलब होता है परिसीमा, आप कह सकते हैं। वृत्त के केस में आप इसे परिधि कहेंगे यानी सरकमफेरेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही दो चीज पर आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आयत से, रेक्टेंगल से। उसे समझते हैं कि आयत यानी रेक्टेंगल होता क्या है और उसके फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक आयत है। आयत हम पहले किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों, चार भुजा से घिरा ऐसा क्षेत्र जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। यानी कि अगर ये वाला भुजा जो L है, तो इसकी समानांतर भुजा इसके सामने की जो भुजा है वो भी, तो क्या होगी दोस्तों, ये भी आपकी L ही होगी। और ये अगर बी यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है, तो देखिए इसे भी हम क्या कहेंगे दोस्तों, बी ही कहेंगे। आगे एक बात समझ में, तो आमने सामने की भुजाएं जो है क्या होती है, एक आयत की बराबर होती है। तो दोस्तों आयत में हमें बेसिकली ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर आपको पता रहे तो क्षेत्रफल आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हो गया दोस्तों परिसीमा। परिसीमा कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए इस बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप चलना शुरू करते हैं इस दिशा में, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर वापस आप इसी बिंदु पर आ जाते हैं, यानी आपने इस आयताकार जो क्षेत्र है इसकी चारों तरफ की परिक्रमा कर ली, तो उसे हम परिसीमा कहते हैं। यानी इसके चारों तरफ का घिरा हुआ लंबाई क्या होगा, इसे ही हम अंग्रेजी में पेरीमीटर और हिंदी में परिसीमा कहते हैं। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × L + b। अब ये कैसे आया भैया, ये इकाई यूनिट हो जाएगा। अब ये कैसे आया, तो देखो भैया, एक बार लंबाई चला, फिर एक बार चौड़ाई चला, फिर एक बार लंबाई, फिर एक बार चौड़ाई, यानी आपने दो बार लंबाई में चला है और दो बार चौड़ाई में आपने चला है। तो देखो दोनों को हमने जोड़ दिया और दो कॉमन ले लिया, तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया 2 × L + b। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बेसिक सा फॉर्मूला है दोस्तों एक आयत का, इसे अच्छे से याद रखना। वॉल्यूम वाले चीज में आपको, वॉल्यूम यानी आयतन वाले मेंसुरेशन 3D में आपको पढ़ाऊंगा, मगर अभी 2D में फिलहाल आपको इतना ही जानना है। इसमें एक चीज और आ जाता है दोस्तों, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कभी कभी 2D में ही आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि एक आयताकार कमरा है, उसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, और उस कमरे की ऊंचाई अगर 8 मीटर है, तो उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये भैया, ये बहुत ही एक बेसिक सा कंसेप्ट है, इसे जान के रखिए कि मान लीजिए दोस्तों, चलिए मैं एक आयताकार अगर आपको कमरा बनाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक आयताकार कमरा है, तो देखिए दोस्तों, इस कमरे के ऊपर वाले हिस्से और ये नीचे वाले हिस्से को छोड़कर आप देखिए, टोटल चार इसके सरफेस हो रहे हैं, यानी चार दीवार हो रहे हैं। देखिए ये वाला एक दीवार हो जाएगा, एक उसी प्रकार इसके सामने वाला ये दो,
और ये वाला एक पूरा हो जाएगा तीन, और पीछे वाला जो इस पोर्शन में आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा चार। तो इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। इसका फॉर्मूला आता है 2 × L + V, यानी 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी परिसीमा में से आप रूम की ऊंचाई से अगर गुणा कर देंगे तो आपको चारों दीवार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये भी वर्ग इकाई होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, इसे याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आयत के बारे में लगभग सारी की सारी चीजें जान ली, मतलब मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के हिसाब से। अभी एंगल वगैरह हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्योमेट्री का पार्ट हो जाता है और उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो जो बच्चे ज्योमेट्री में कमजोर है तो वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज्योमेट्री वाले पोर्शन को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आयत के ये बेसिक तीन फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आई होप अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन आ गया दूसरा आपके पास जो टॉपिक है, ये हो गया वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, एक स्क्वायर में क्या होता है। सबसे पहले देखिए, चार भुजा से घिरा ऐसा क्षेत्र जिसकी चारों की चारों भुजाएं समान होती हैं, वो क्या होता है, एक वर्ग हो जाता है। और 90 डिग्री पर ये सभी भुजाएं होती है। तो डिग्री की बात हम लोग नहीं करेंगे, आप सिंपल जान लीजिए। जैसे ये भुजा मान लो अगर ए है तो ये भी ए इकाई होगा, ये भी ए, ये भी ए। अगर ये 5 है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 5 होंगी। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं, जो भी सेंटीमीटर हो, मीटर हो, तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी होगा आ जाएगा। क्लियर बात दोस्तों। इसके बाद देखो, पेरीमीटर के लिए हम पी लिखते हैं, परिसीमा। तो बताइए, परिसीमा चारों तरफ अगर हम बराबर चलते हैं तो ए ए ए ए, यानी चार बार हम एक ही भुजा पर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 1 भुजा, यानी कि हो जाएगा 4 A यूनिट। आगे बात समझ में दोस्तों। तो देखो, 4 × भुजा। अच्छा, अब देखो भैया, वर्ग में एक बहुत ही विशेष चीज महत्व रखता है, वो होता है उसका विकर्ण। अगर मान लो ये इसका डायगोनल है तो इसके विकर्ण की लंबाई कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा चीज है, देखिए सभी भुजाएं 90 डिग्री पर होती हैं, तो जब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये विकर्ण हो गया, एक संपूर्ण त्रिभुज बनता आपको दिख रहा है। तो जब ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से √2a हो जाता है। तो यानी वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है मेरे बच्चों, डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 × भुजा, √2 × भुजा, यानी कि √2a आप लिख सकते हैं इसे यूनिट। क्लियर है दोस्तों, इतनी सी बात समझ में आ गई। देखो √2 भी कैसे आ गया, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर विकर्ण होता है। आगे बात समझ में दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आपको क्या करता है कि विकर्ण की लंबाई दे दी जाएगी और वहां से आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल एक और मैं A2 लिख दे रहा हूँ, ये A1 कर दे रहा हूँ कि ये एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप लिख दें 1/2 × विकर्ण का स्क्वायर कर दें। तो देखो, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला हो जाता है किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 × विकर्ण का स्क्वायर। तो यही इसका क्षेत्रफल, यानी ये एक क्षेत्रफल निकालने का और ये एक क्षेत्रफल निकालने का तरीका हो गया। तो बच्चों, बस इतना ही आपको चार फॉर्मूला याद रखना है वर्ग के केस में। आप काफी आसानी से इस पर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो आयत हो गया, वर्ग हो गया दोस्तों। आइए अब चलते हैं समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज टाइप के हैं दोस्तों, आज मैं प्रयास करूंगा कि इस एक वीडियो में आपको आसानी से बता दूं। तो अब देखिए दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज में आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, सावधानी भी रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये है क्या, देखिए दोस्तों, एक ऐसा चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो मान लो भैया, अगर ये वाली भुजा आपकी पूरी एल है और ये वाली भुजा अगर बी है, यहां से यहां तक मान लीजिए, तो देखिए भैया इस केस में आपका क्या होगा। तो देखो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब इसी में दोस्तों, हम अगर इसे लंबवत अगर एक सीधी रेखा खींचे तो यही इसकी हाइट हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, लंबाई मतलब बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों, HEIGHT, देखिए दोस्तों, बेस इंटू हाइट। तो भैया, बेस इसका आधार क्या होगा, ये हमेशा देखिए लंबाई वाला ही पोर्शन होगा।
हम लोग शॉर्ट में ऐसे बी इंटू एच भी लिख देते हैं, मगर दोस्तों आपको ये समझना बी यहाँ पर बेस है और यहाँ बी का मतलब चौड़ाई है मेरे बच्चों, तो इसे अच्छे से समझना। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस जिस पर खड़ा यानी लंबी हो जाए एल, और एच हो जाएगा यहाँ पर इसकी ऊंचाई। तो ये बहुत ही एक बेसिक कॉमन सा फॉर्मूला है। इसका भी पेरीमीटर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो देखो सभी भुजाएं तो आमने सामने की बराबर है, तो इसका भी पेरीमीटर हो जाएगा 2 × L + D। तो ये बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट है समानांतर चतुर्भुज के बारे में, इसे समझ लीजिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए दोस्तों चौथा जो है चतुर्भुज के केस में वो है सम चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं रोम्बस। एक रोम्बस क्या होता है दोस्तों, चार भुजा से घिरा ऐसा क्षेत्र जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। देखिए अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये एल होगा तो ये भी एल होगा, सभी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, मगर इनमें कोई भी दो संलग्न भुजा यानी दो एडजेसेंट साइड कभी भी 90 डिग्री पर नहीं होंगे, यानी ये बिल्कुल वर्ग से मैच खाता है। बस वर्ग में सभी भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के कोण पर लगी रहती है, मगर इसमें नहीं लगी रहेंगी। तो दोस्तों इस केस में इसका एरिया क्या हो जाएगा एक समचतुर्भुज का रोम्बस का, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा इसके दो विकर्ण होंगे, एक को हम कह देंगे D1 और अगर दूसरा भी खींच दिया जाए इसे मैं कह दूं D2, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल यानी D1 × D2। ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है एक रोम्बस का। बहुत ही आसानी से समझिएगा, आपको एक रोम्बस का क्षेत्रफल जब भी निकालना है तो आपको इसके विकर्णों को पता जरूर करना है दोस्तों। मैं इस पर बहुत आपको क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों इसका अगर हम पेरीमीटर निकालें, तो देखिए चारों भुजा जब बराबर है तो पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा 4 × L यानी 4 × भुजा, जैसे वर्ग का होता है वैसे ही समचतुर्भुज यानी रोम्बस का भी हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं समलंब चतुर्भुज। तो देखिए दोस्तों समलंब चतुर्भुज यानी के ट्रेपीजियम जिसे हम कहते हैं, इसमें आपको याद रखना है चार भुजा से घिरा ऐसा क्षेत्र जिसकी चारों की चारों भुजाएं अलग अलग होंगी। दोस्तों मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये सभी भुजाएं देखिए अलग अलग है। अब दोस्तों इसमें एक खास चीज और क्या होती है कि एक ऊपर शीर्ष बिंदु से अगर नीचे वाली भुजा पर एक लंब खींच दे तो ये इसका हाइट हो जाता है यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, दो भुजाएं जो होंगी वो समानांतर होंगी पैरेलल, और बाकी की ये जो दो भुजाएं हैं यानी AD और BC ये कभी भी समानांतर नहीं होंगी। मतलब एक जोड़ी भुजा पैरेलल होगी तो एक जोड़ी भुजा पैरेलल नहीं होगी। ये एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है एक समलंब चतुर्भुज को जानने का। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने का बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। देखिए इसमें फॉर्मूला हो जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी दो समानांतर भुजा के बीच की दूरी, तो ये हाइट ही तो हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं डायग्राम के अनुसार लिखूं तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ए होगा और सी होगा, दोनों समानांतर भुजाएं हैं, दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए तथा उनके बीच की दूरी अगर एच है तो एच से गुणा कर दीजिए। तो यही देखिए एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी SSC में और RRB में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर तो आपको पता चल ही गया है, पहले ही मैंने बता दिया कि चारों तरफ की लंबाई को जोड़ दीजिए, यही होता है किसी भी क्षेत्रमिति के किसी भी आकार का पेरीमीटर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस में हम बी को जोड़ देंगे, फिर सी को जोड़ देंगे और फिर डी को जोड़ देंगे, यानी यही इसकी परिसीमा हो जाएगी चारों भुजा की लंबाई, क्योंकि इसकी चारों की चारों भुजाएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं, कोई भी किसी के बराबर नहीं होता है। तो देखिए ये आपका हो गया समलंब चतुर्भुज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और पोर्शन रह गया दोस्तों, चलिए हम लोग वृत्त को भी कर लेते हैं। वृत्त के से आधारित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रायंगल जो है दोस्तों मैं आपको उस पर स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ट्रायंगल ही अपने आप में 3 प्रकार का होता है और उसका बहुत ही फास्ट कंसेप्ट है दोस्तों, तो उसे समझाने के लिए पूरा एक वीडियो लग जाएगा। और ये वीडियो छोटा ही रहे, बहुत ज्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैं ट्रायंगल आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। आइए हम लोग सर्कल को कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, अब हो गया वृत्त, आपके वीडियो में बिल्कुल स्क्रीन पर है वृत्त यानी कि सर्कल, देख रहे हैं गोल घिरे हुए भाग को हम एक वृत्त कहते हैं। ये 2D डायग्राम है माफ कीजिएगा,
अब ये देखिए ये टू डायमेंशनल है। अब एक वृत्त में सबसे पहले देखिए बीचों बीच आपको एक बिंदु दिख रही होगी जिसे हम केंद्र कहते हैं, सेंटर, ये ऑलरेडी आप सभी जानते हैं। अब देखिए इस वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि पर कहीं भी चारों तरफ अगर मैं एक भुजा खींच दूं तो ये इसका क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, यानी कि त्रिज्या हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको 22/7 या 3.14 हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो बेसिक सी चीज है, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, वर्ग इकाई हो जाएगी, क्षेत्रफल है। तो उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है दोस्तों परिधि, यानी कि इस वृत्त में अगर आप कहीं इस बिंदु से चलना शुरू करते हैं और फिर चारों तरफ अगर आप इसके चलते हैं और वापस इसी स्थान पर आ जाते हैं तो ये आपने कुल कितनी दूरी तय की, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × π × r यूनिट, यानी कि दोस्तों 2πr। सीधी सी चीज है 2πr इसकी परिधि होती है। अब देखिए दोस्तों इसी में मैंने दो टर्म जोड़ दिया है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है दोस्तों, तो देखिए अगर मैं इस वृत्त को अगर बीचों बीच अगर आधा मैं काट दूं तो ये आधा ही ना बचेगा, देखो यहाँ से लेकर के यहीं तक ना बचेगा आपका एक अर्धवृत्त। तो सीधी सी चीज है, तो ये अर्धवृत्त अगर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए पूरे वृत्त का आधा, तो यानी पाई आर स्क्वायर हमें पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो आधा वृत्त का इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो कहा गया अर्धवृत्त की परिधि, तो भैया जब पूरी परिधि 2πr होती है तो अर्धवृत्त की आधी आधे वृत्त की परिधि क्या होगी, इसका आधा, तो इसका आधा हम लोग लिख देंगे दोस्तों π × r। मगर दोस्तों ये पूरा 2πr होता है तो आधा सिर्फ यहाँ से इतना दूर हुआ πr, मगर ये परिधि कहने का मतलब पूरा क्लोज फिगर चाहिए। तो देखो भैया ये एक r और r 2r भी तो हमें लेना होगा, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि देखो यहाँ से यहाँ तक और फिर ऐसे आ जाएगी, ये वाला भाग हो जाएगा अर्धवृत्त, तो यानी πr + 2r, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है और एक अर्धवृत्त की परिधि का ये फॉर्मूला है πr + 2r। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों ध्यान से जरा समझिएगा क्योंकि अब आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए मैं पहले इन सबको रब करके थोड़ा फिर से डायग्राम अच्छा कर देता हूँ। देखिए दिया गया है चाप की लंबाई। चाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सीधी सी बात एक याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं ये जो त्रिज्या है अगर मैं समान त्रिज्या को एक इधर भी खींच दूं तो ये भी आर होगा दोस्तों। दोनों त्रिज्या मान लीजिए थीटा डिग्री के एंगल पर हैं, एक दूसरे पर थीटा डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो देखो भैया ये वाली जो लंबाई होगी, ये जो चाप होगा यहाँ से यहाँ तक, इसे ही कहते हैं चाप, इसे ही कहते हैं चाप। यानी कि चाप की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। ये आपको याद रखना होगा 2πr θ/360, ये आपके इस चाप की लंबाई निकल गई। अब देखिए दोस्तों दो त्रिज्या मिल करके जब कोई एक खंड बनाते हैं तो उसे हम वृत्त खंड या त्रिज्या खंड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो खंड होगा, ये वाला जो आपको देखिए डोमिनोज में जब आप पिज्जा खाने जाते हैं तो ऐसे पिज्जा आपको परोसा जाता है और आप उसे इस तरीके से कट करके जो हिस्सा निकालते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा मैं नाम दे देता हूँ, चलिए ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो मैं कह सकता हूँ वृत्त खंड ए ओ बी का, अगर ए ओ बी का अगर मैं आपसे क्षेत्रफल निकालने को कहूँ तो इसके लिए बहुत ही एक बेसिक सा फॉर्मूला है 1/2 × चाप का लंबाई × r। यानी अगर आप इसे सिंपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं πr² θ/360। बस यही आपको याद रखना है, या आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं 1/2 × चाप की लंबाई, चाप यानी ए बी की लंबाई × r आप कर सकते हैं। तो देखो इसे ही अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो दो दो कैंसिल हो जाएगा, पाई आर हो गया और एक आर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये तो थी कहानी वृत्त की। बस अगर आप एक वृत्त को अगर इस तरीके से अच्छे तरीके से समझ लें तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ मेंसुरेशन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एक पार्ट और रह गया दोस्तों जिसमें मैं आपको पूरा फुल उसमें ट्रायंगल के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि वहां से आपको
बहुत ज्यादा प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में, तो दोस्तों उसे मैं अगले वीडियो अगले दिन पोस्ट करूंगा यूट्यूब पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है, इसे अच्छे से समझिएगा, और इसके बाद जब तीसरा वीडियो आएगा इसी सीरीज का मेंसुरेशन का पार्ट 3, तो उसमें मैं लगातार धुआंधार आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते जाऊंगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।